आप जब भी केरला आए तो गुरुवायूर टेम्पल जरूर विजिट करें। चलिए अब इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि रात होने से पहले मुझे कोचीन पहुंचना है। 85 किलोमीटर्स बज के 9 मिनट पे पहुंचूंगा। लगता है रात भर इन्हीं गलियों में घूमते रह जाऊंगा, इतनी नैरो रोड्स हैं यहाँ की। अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ गई तो हो गया काम, फिर सर्कस करते रहो। फाइनली मेन रोड पे आ गया हूँ, अब गाड़ी भगाने का टाइम है। ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं, सुबह 8 बजे निकला था और गूगल मैप बता रहा है कि करीब रात के 8 बजे पहुँच पाऊँगा मैं। मिलोर्ड सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। केरला की सिटी की रोड तो फिर भी ठीक है, ये हाईवे की हालत इतनी बुरी है, 80 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे, मतलब हर जगह इतने गड्ढे, रोड भी छोटी है। शॉर्ट डिस्टेंस है तो फिर भी चल जाए, अब इतना लंबा डिस्टेंस मुझे जाना है, अब कब पहुंचूंगा पता नहीं, अल्लाह मालिक। ये देखिए हाईवे की हालत, ना हाई है ना वे है, सिंगल लेन है, उसी में सर्कस कर रहे हैं लोग। इस सीरीज में मैं आपको सभी राज्यों की रोड दिखाऊंगा और फाइनली आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि किस राज्य की हाईवेज और इंटरनल रोड्स अच्छी हैं। दोस्तों 12 घंटे की जर्नी के बाद अब मैं फाइनली कोचीन पहुंच चुका हूं, तो मेरा डेस्टिनेशन तो आ गया। कल मिलेंगे, टेक केयर, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को बहुत लेट हो गया था यहाँ पहुँचते, फ्रेश होके निकलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेश तो हो गया, आज टी शर्ट कौन सी पहने, एक्चुअली केरला में बहुत गर्मी है तो कॉटन, ये कैसी रहेगी। ओके, कलरफुल टी शर्ट पहना जाए आज। नहीं, ये थोड़ा ऑड लगेगा, आई थिंक ये स्पोर्ट्स टी शर्ट ये ठीक रहेगी आज के लिए, चलिए यही पहना जाए। दोस्तों मैं बिल्कुल तैयार हूँ फॉर टूर डी कोचीन। सर इडली उंडा जी, हाँ सर, हम प्लेट इडली एंड वड़े, वन सिंगल वड़ा, वन वन मदी एक बस, सांबर, थोड़ा सांबर, काला सांबर है ये वाला है, वो नहीं है सांबर, नहीं सांबर नहीं है, ओ थोड़ा था थोड़ा मदी। ये कोचीन का वो भाग है जिसको फोर्ट कोची कहा जाता है। एक ज़माने में यहाँ पर पोर्चुगीज और अंग्रेज़ राज किया करते थे। ये लाइन में आप जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं सब 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अब होटल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। राइट साइड में यहाँ पर बीच है, फिशिंग पॉइंट है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन, ये सब ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। फोर्ट कोची आज भी वैसा ही है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में था। ये पार्ट मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ पे अंग्रेज़ और पोर्चुगीज़ ज़्यादातर रहते थे। यहाँ पर नेवल बेसिस भी है काफ़ी, और जितने भी पुराने बिल्डिंग थे बड़े बड़े, उनको या तो क्लब्स में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर छोटे छोटे होटलों में। तो अगर आपको रियल फील लेना है कोचीन का तो फोर्ट कोची में, और ये इनका आज भी यहाँ पर फिशिंग होती है, यहीं पे चाइनीज़ नेट से फिश पकड़ते हैं और पकड़ कर यहीं सेल करते हैं बांगड़ा। ये सारे फ्रेश, ये सब फ्रेश है, यहीं से पकड़े हुए और यहीं पे सेल हो जाएंगे। ये जो दो बड़े बड़े नेट्स देख रहे हैं इसको चाइनीज़ नेट कहा जाता है, और यहीं पर फिशिंग करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ सेल करते हैं।
ये जितने भी बाइक्स देख रहे हैं आप, ये सब समुद्र में घुसने वाले हैं, समुद्र में घुसने के लिए तैयार हैं। आइए दिखाता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, पहले ₹3, ₹3, ₹3। सर्वन। ओके, ये ₹3 की टिकट है और भागना है अपने को फेरी में। ये है यहाँ की फेरी। ओके, ये है फेरी। अब इसमें गाड़ी भी लोड होगी, बाइक्स भी लोड होगी और हम लोग जाएंगे दूसरे एंड में, तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप कोचीन आए तो इस पार्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इसको फोर्ट कोचीन बोलते हैं कि, और ये मेन सिटी भीड़ भाड़ से काफ़ी अलग जगह है, यहाँ पर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट फील है यहाँ पर। फोर्ट कोची में इसको वास्को डा गामा स्क्वायर कहते हैं, एंड ये पुल एक ज़माने में ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज का एरिया था, अभी भी यहाँ एक ब्रिटिश वाला घूम रहा है। दबोच लूँ क्या इसको कि तुम्हारा एक आदमी रह गया भाई यहाँ। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ में अब बारी है एक और शहर को देखने की, चलें। बार का दोस्तों, केरला का पहला चालान का मैसेज आ गया मुझे। अब वो चालान क्यों भेजा है, शायद मैंने ओवरटेक किया था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने थोड़ा सा ओवरटेक किया था। ये रोड देख रहे हैं, ये हाईवे है और सिंगल लेन है, मतलब सामने वाली गाड़ी अगर 20 की स्पीड पे जा रही तो आपको भी 20 की स्पीड पे चलना है। अब मुझे जाना है दूर, मेरी जर्नी है करीब यहाँ से 4.5 घंटे की, तो मैं इस स्पीड से निकला तो अगर मैं इस इनके पीछे जाता रहा तो पहुंच गया फिर मैं। हमारी अगली मंजिल बस आने ही वाली है, वहां पहुंचकर आप माला माल हो जाएंगे, माला माल, पैसे पैसे होंगे हमारे पास। यह है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। 3 लेन की रोड है यहाँ पर और हाई राइज बिल्डिंग्स है, बहुत ही साफ सुथरी सिटी है ये, क्यों ना होगी केरला की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, मरला में इसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। तिरुवनंतपुरम तो साउथ केरला में है, तो यहाँ पे सफिशिएंट जगह है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी रोड हैं, वेल प्लान्ड सिटी। नमस्कार नमस्कार नमस्ते।
गेस कीजिए, केरला का एक मंदिर जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कुछ सालों से ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, काफ़ी पैसे वाला मंदिर है, काफ़ी अमीर मंदिर है, गेस कीजिए। जी हाँ, सही पकड़े हैं, वो है हमारा पद्मनाभन टेम्पल। मैं आज एग्जैक्टली उसके सामने खड़ा हूँ, मैं घूमते घामते पद्मनाभन टेम्पल पहुँच चुका हूँ। वैसे तो ये मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का है, लेकिन श्री पद्मनाभन स्वामी जो विष्णु का एक रूप माने जाते हैं उनका ये मंदिर है, बहुत ही फेमस है। आज मौका मुझे मिला है अंदर जाने का, मैं अंदर जाके आता हूँ, आज्ञा दीजिए। और आप कभी भी यहाँ आए तो ये ड्रेस कोड है यहाँ पे, जहाँ पे आपको शर्ट उतारना पड़ता है और इस तरह का ये धोती मुंड बोलते हैं यहाँ पे। फाइनली दर्शन तो हो गए, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन ऐसा विशाल पुराना, अगर आपने मैसूर पैलेस देखा हो उतना बड़ा मंदिर है ये, मतलब चारों तरफ अगर आप घूमेंगे तो कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और जो मेन जहाँ पर मूर्ति की स्थापना है विष्णु भगवान की, जो स्लीपिंग पोजीशन में शेषनाग पर जो फेमस उनकी स्लीपिंग पोजीशन है उस पर लेटे हुए हैं, और वो पूरा गोल्ड का है, जितने पिलर्स हैं आजू बाजू का एरिया, इसीलिए सबसे रिचेस्ट टेंपल कहा जाता है। तो इफ़ यू आप हिंदुइज़्म में बिलीव करते हैं तो प्लीज़ इस मंदिर को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही पावरफुल मंदिर है। अगर आप अंदर घुसते ही आपको एक फीलिंग आती है, काफ़ी पावरफुल मंदिर है ये, और काफ़ी बड़ा है, और प्राचीन करीब मेरे ख्याल से 1200 साल पुराना मंदिर है, और उस ज़माने से ही काफ़ी रिच टेंपल माना गया है ये। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसमें 7 द्वार हैं, उसमें से कुछ द्वार खोले गए थे, और सिर्फ इसलिए खोले गए थे कि जितना अंदर गोल्ड और जो भी चीज़ें हैं उसका हिसाब लगाने के लिए, उसको यूज़ नहीं किया गया है। और 7वां डोर नहीं खोलना चाहिए, बोलते हैं जो भी खोलेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही केरला से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद।